नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नगीना में कल देर शाम एक सेंट्रो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हुमायूं नगर के मोहल्ला कलालान निवासी धीरज कालरा के दोस्त नजीबाबाद निवासी आशीष राजपूत अपनी सेंट्रो कार यूपी संख्या 20X9001 से नगीना आए थे। शाम के समय धीरज कालरा आशीष की कार लेकर अपनी पत्नी भविका कालरा के साथ रामलीला ग्राउंड स्थित मंदिर जा रहे थे। जब वह टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पहुंचे कि तभी गाड़ी से धुआं उठता देखकर उन्होंने गाड़ी को रोककर गाड़ी का बोनट खोलकर देखने की कोशिश की। इसी दौरान गाड़ी के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तभी फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ी में सवार परिवार पूरी तरह सुरक्षित गाड़ी से उतर गया था। नगीना से मोहम्मद अलीम सलमानी की रिपोर्ट। स्पाइक क्लिनिक हड्डियों व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज डॉक्टर एच के पूर्व चिकित्सक भारतीय सर्वश्रेष्ठ नौसेना अस्पताल नई दिल्ली। पता स्टेशन चौराहा चौधरी फर्नीचर के सामने नजीबाबाद रोड किरतपुर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।